आतंकवादी करने लगा हूँ, ये करना देने लगा। चलो यार, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मान लो तो चंगी गल है। अस्सलाम वालेकुम सब मेरे दोस्त, कैसे हैं? आपके बशीर आपकी हिदत में हाजिर है। तो अभी हम पतंगबाजी कर रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे जी, घर में फ्री हैं, कुछ करने को नहीं। लेकिन बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं करने को, काम भी नहीं उनके पास, खुराक तक नहीं है, राशन तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की इस मौके पर मदद ज़रूर करनी चाहिए कि किसी का घर चूल्हा बांधना हो मसाल तो खाना शाना उनको मिलता रहे, खुराक मिलती रहे उनको। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। आज मैं सुबह शाहिद अफरीदी का एक वीडियो पैगाम था, वो सुन रहा था, वो कह रहा था कि ज़्यादा नहीं 10-10 रुपये भी अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो। 10 रुपये का आप सोच रहे हो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। लेकिन यह कि 10 रुपये में आप एक मैसेज करें कुछ, आई थिंक 6677 था इस तरह कुछ नंबर था, उस पर आप मैसेज करना जो आपके अकाउंट में से, आपके मोबाइल बैलेंस में से 10 रुपये शाहिद अफरीदी फाउंडेशन में चले जाएंगे। उसमें शाहिद अफरीदी गरीब लोगों की मदद करेंगे। इस तरह आप ख़ुद भी किसी की हेल्प कर सकते हो। बहुत से खानदान ऐसे हैं जो मज़दूर तबके हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं। आज आई थिंक 23 को या 24 को हुआ था लॉकडाउन, 23 से लेकर आज 5 अप्रैल है, अभी तक 16 दिन हो चुके हुए हैं कि काफ़ी लोग घरों में बैठे हुए हैं। इसलिए सब दोस्तों से पुरजोर अपील है कि लोगों की हेल्प करें इस लॉकडाउन में, कि कोई बंदा भी भूखा ना रहे। इसलिए जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें, अगर कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए तो दुआ ज़रूर करें। वो कहते हैं कि हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं, दवाएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। इन गरीब लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह उनके मुसीबतें ख़त्म करें। सब पे मुसीबत है लेकिन उन पर ज़्यादा मुसीबत है। जिसको खाना नहीं मिल रहा हो, घर से बाहर निकल सकता, कमा नहीं सकता, उसके लिए ज़्यादा मुसीबत है। तो इसलिए ज़रूर 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 उनकी दुआ, उनके लिए दुआ करें। एक और जगह मैंने शेर पढ़ा था कि बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख, किस मौत से मरूँ मैं, ज़रा राय दीजिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए। और इसके अलावा अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे कोई अच्छी राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। उड़ाने वाला पतंग उसी तो उसकी भी छाड़ लो, तो पतंग उड़ा बना उड़ा रहे। चलो जया। कच्चे धागे से पतंग उड़ रही है, इसका कुछ पता नहीं कब कट जाए। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And हवा बहुत तेज़ थी जिस वजह से ये पतंग हमारी नीचे गिर गई है, ये सामने पौधे के साथ, अमरूद का पौधा हमारे घर का ही। जिया और जल्दी उठा के ले आओ, ये हमारे जिया भाई पतंग लेने गए हैं। जिया भाई से कन्ना दो, कन्ना
क्या वाह, यार डोर टूट जाएगी भी। तुम्हें यहाँ पे करप्शन, क्या कहते हैं, मेरी करेक्शन जरूर करनी है। ये हमारे अब्दुलमान साहब कह रहे हैं पागल हो, आपको सही उड़ानी नहीं आती। हमारी पतंग गिर गई थी ना, वो फट चुकी है। अब ये हमने पतंग बनाई है, क्या कहते हैं वो, ये शॉपर होता है, शॉपिंग बैग, उससे ये देखिए। अब ज़्यादा साहब उड़ा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, कहते हैं आपको उड़ानी नहीं आती। भाई साहब आप नहीं उड़ा सकते, मैं बस देख रहा हूँ, नज़ारे कर रहा हूँ, नज़ारे देखा है। A few moments later, ये मेरी अम्मा जी ने घर में कुछ सब्जियां लगाई हुई थी लेकिन कुछ केयर नहीं कर सके। ये लहसुन लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं डाला, इसमें भी देखें लहसुन निकाला भी हुआ है, ये देखें, देखा ये लहसुन, देसी लहसुन ऑर्गेनिक, ये देखें इसमें भी सब्जी लगी लेकिन पानी नहीं डाला, ये देखें ये लहसुन है, ये लहसुन निकाल के दिखाता हूँ आपको, छोटा मैंने निकाला, मिस्टेक की है मैंने, अब शायद लगेगा नहीं दोबारा। मूसा नहीं है, मूसा आपने नहीं निकाला, मेरी बेटी ने। बच्चों को टाइम देना जरूरी होता है। हमारा प्लेयर गिर चुका है, ले लो कैच कैच। बच्चों को घर में टाइम देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये तो लॉकडाउन है, वैसे टाइम ही टाइम है, लेकिन ज़रूर जब फुर्सत ना भी हो तब भी ज़रूर टाइम निकालें और बच्चों को टाइम ज़रूर दिया गया।